हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम टीचिंग यू स्टोरी, पेज नंबर 18, क्लास 6, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक दफ़ा का जिक्र है, वहाँ पे एक लूमबर्ड था। ही वाज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ही रन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो इधर उधर घूम रहा था खाने की तलाश में। ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट, प्लीज़ राइट हेयर, कुड नॉट फाइंड एनी थिंग, उसको खाने के लिए कुछ ना मिल सका। एट लास्ट ही रीच इन अ गार्डन, देयर ही सॉ अ बंच ऑफ रिप ग्रेप्स हैंगिंग ओवर अ हाई वॉल। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा जहां पे उसने पके हुए अंगूरों का गुच्छा देखा जो कि दीवार पे लटक रहा था। रिप होता है पका हुआ, बंच गुच्छा। ही जंप टू गेट दैम, उसने छलांग लगाई उसको हासिल करने के लिए, बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुँच से दूर था। ही जम्प्ड अप अगेन एंड अगेन, उसने बार बार छलांग लगाई, बट ऑल इन वेन, लेकिन वो बेसुध रही या नाकाम रहा या उसको कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। वेन मीन नाकाम रहना या फ़ायदा ना हासिल हो सकना। वेन ही वॉज टायर्ड, जब वो थक गया, ही वेंट अवे सेइंग दैट द ग्रेप्स आर सोर। प्लीज़ राइट दिस सेंटेंस, सेइंग दैट द ग्रेप्स आर सोर, कंप्लीट इट। आई शुड नॉट ईट दैम, वो ये कहता हुआ वहाँ से चला गया कि अंगूर खट्टे हैं और मुझे इसको नहीं खाना चाहिए। मॉरल, ग्रेप्स आर सॉर, कहानी का मॉरल है यानी कि नतीजा ये है कि अंगूर खट्टे हैं। प्लीज़ कम टू द लेटर, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, अपने अंकल को आपने खत लिखना है बर्थडे के तोहफे का थैंक यू करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। सिटी ए बी सी, अप्रैल 5, 2015, प्लीज़ राइट डेट, जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं उसी दिन की आप डेट मेंशन करेंगे। डियर अंकल, प्यारे अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर एंड द प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे, आपके तोहफे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपके हद का और तोहफे का बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बर्थडे पे मुझे भेजा है। योर चॉइस ऑफ वॉच एज ए प्रेजेंट इज़ वेरी नाइस, आपका तोहफा जो कि घड़ी आपने मेरे लिए पसंद की है एज ए प्रेजेंट बहुत अच्छी है। आई एम डिलाइटेड विद इट, मुझे ये हासिल करके खुशी हुई है या मैं बहुत खुश हूँ। डिलाइटेड मीन खुश हुआ। आई कीप इट विद ग्रेट केयर, मैं इसको हिफाजत से रखूँगा। आई विंड इट रेगुलरली एवरी मॉर्निंग, इट कीप्स करेक्ट टाइम, मैं हर रोज़ उसको विंड करना चाबी दूँगा ताकि वो मुझे सुबह के वक्त ठीक वक्त बता सके। इट मेड मी पंचुअल, ये मुझे वक्त का पाबंद बनाएगी। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, और मैं कभी स्कूल से देर नहीं होगी। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वैल्यूएबल गिफ्ट, और एक बार फिर मैं आपको इस कीमती और नायाब तोहफे का शुक्रिया अदा करता हूँ। योर्स अफेक्शनेटली एक्स वाई जी, आपका प्यारा एक्स वाई जी। प्लीज़ लर्न इट एंड राइट डाउन इन योर कॉपी, स्टोरी प्लस लेटर, थैंक यू। टुडे आई एम टीचिंग यू एप्लीकेशन, पेज नंबर 19, क्लास 6, एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। एप्लीकेशन आपने लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को कि मेरे जो फ़ाइन किया है आपने मुझे उसको ख़त्म कर दें, मुकम्मल तौर पे माफ़ कर दें। टू द प्रिंसिपल, लाहौर ब्रिटिश स्कूल, क्रिफ्टन कॉलोनी लाहौर, मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट, बहुत बना गुजारिश है कि आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल ड्यूरिंग द लास्ट नाइट वीक, लास्ट वीक यानी कि पिछले वीक में मैं आपका स्कूल में हाज़िर नहीं हो सका। आई वॉज सीरियसली इल, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। माई हाउस इज़ वेरी फार फ्राम द स्कूल, मेरा घर स्कूल से काफ़ी दूर है। माई फादर वॉज़ नॉट एट होम, और मेरे वालिद घर पर नहीं थे। देयर वॉज़ नॉन टू ब्रिंग माई एप्लीकेशन, और कोई भी घर पर नहीं था जो मेरी एप्लीकेशन पहुँचा सके। आई हैव बिन फाइन ₹200 फॉर एबसेंस, मुझे 200 रुपया फ़ाइन किया गया है गैर हाजिरी का। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे वालिद एक गरीब आदमी है। ही कैन नॉट पे दिस फाइन, वो ये जो फ़ाइन है उसको अदा नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे गुजारिश है टू काइंडली रिमिट माई फ़ाइन, आप मेरा फ़ाइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें या माफ़ कर दें। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, एन नवाजिश होगी आपकी। योर्स ऑबिडेंटली, आपका ताबेदार एक्स वाई जी, एंड डेट आप मैंशन करेंगे जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट, टूडे आई एम टीचिंग यू अ लेटर, पेज नंबर 24, क्लास 6, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस, आपने अपने दोस्त को खत लिखना है उसकी कामयाबी पे उसको मुबारकबाद देनी। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, अप्रैल 6, 2015, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, हार्टली, इसमें एल आप
ऐड कर लें। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ आपकी इम्तिहान में कामयाबी पर। आई सेंड यू अ टेलीग्राम यस्टरडे, कल मैंने आपको एक ख़त भेजा था, आई होप यू गॉट इट, मुझे उम्मीद है कि वो आपको मिल गया होगा। यू आर लकी टू गेट द फर्स्ट डिवीजन, आप बहुत यानी कि लकी हो, खुशकिस्मत हो कि आपकी फ़र्स्ट डिवीजन आई है। इफ़ यू विन आ स्कॉलरशिप, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है, इट वुड बी अ वंडरफुल शो इंडीड, जो कि एक बहुत शानदार कामयाबी है। यानी कि आपको जो वजीफ़ा हासिल हो आपने हासिल किया है या जीता है, वो एक शानदार कामयाबी है। इनफैक्ट यू हैव वर्क वेरी हार्ड, दरअसल तुमने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की थी। योर सक्सेस नाउ इज़ द रिवॉर्ड, और तुम्हारी जो ये कामयाबी है ये उसी का नतीजा है या उसी का तुम्हें नेमुल बदल मिला है, रिवॉर्ड मिला है। योर सिंसियरली आपका मुखलिस एक्स वाई जी। नाउ कम टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन आपने लिखनी है प्रिंसिपल को कि आपने स्कूल छोड़ना है, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। टू द प्रिंसिपल लाहौर ब्रिटिश स्कूल क्लिफ्टन कॉलोनी लाहौर, मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट डेट माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मोहतरमा गुजारिश है कि मेरे वालिद जो है सरकारी मुलाजिम है। ही हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू मुल्तान, उनकी ट्रांसफ़र तबादला जो है वो कहाँ पर हो रहा है, मुल्तान हो रहा है, ट्रांसफ़र तबादला। आई हैव टू गो देयर विद माई फैमिली, मुझे भी अपने ख़ानदान के साथ या फैमिली के साथ वहाँ पर जाना है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ या इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दे दें, सो डैट आई हैव मे बी एबल टू एडमिट इन टू द न्यू स्कूल, ताकि मैं नए स्कूल में वहाँ पे जाकर नए स्कूल में दाखला ले सकूँ। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा, एंड नवाजिश होगी। योर्स ओबीडेंटली आपका ताबेदार एक्स वाई जी। डेट आप वही मेंशन करेंगे जिस दिन आप ये काम करेंगे। प्लीज़ लर्न दिस लेटर एंड एप्लीकेशन एंड राइट डाउन इन योर कॉपी।